हाँ जी, सत श्रीकाल जी। स्वागत है थोड़ा फिर जाना जट चैनल दे। ते अज दी वीडियो होने वाली है हेल्दी ईटिंग लैके। पर हेल्दी ईटिंग वाले टॉपिक ते जान तो पहला थोनू एक चीज शेयर करनी चाहना, जो चीज मेरे नाल भी होंगी है, सारे नाल होंगी है, वो हैगी है बहानेबाजी। इंसान अपनी लाइफ के विच हमेशा कोई भी काम जरूरी है जरा लाइफ च इंपॉर्टेंस रखता, कुछ भी उन्हें ना करन दे 25 बहाने लभदा रहिंदा ताकि अवॉइड कर सके। पर बाद च जो उन्होंने रिजल्ट देखने को मिलता है जेडे वो नहीं चाहता तो फिर परेशान हों, तो उत्थे फिर पहला आ चीज करनी जरूरी है। बट फिर बहाने फिर रिजल्ट, या आ चीज तुम कट दोगे बहानों तुम्हें बाद चाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। बट जो तुम बहाने पाओगे एक्सक्यूज रखी रखोगे फिर तुम कदम भी मन चाहे रिजल्ट नहीं पा सकते। आप नॉर्मल लाइफ च की खाने सवेरे नाश्ते च परौंठे दोपहरे परौंठे या फुलके ना सब्जी राती फिर सेम चीज रिपीट करते हैं। बट जब पहले ही अनहेल्दी हाँ अपनी पहले ही गोगड़ निकली हुई है अपन तलिया चोपड़िया फालतू कुछ भी चाट वाली चीजा नहीं खानी चाहिए, तो वो मैं थोड़ा वो चीजा रिप्लेस करने लिए कुछ ऑप्शन देना है अज कि तुसी। पहली चीज जी फॉलो करनी है वो हैगी लाइफ के चिट्टा सॉल्ट चिट्टी खंड नू एलीमिनेट करना, इन्हों का इनटेक अपनी बॉडी के बंद करना। रीजन बीइंग चिट्टी खंड अपनी बॉडी लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, जो सॉल्ट है चिट्टा वो अपनी बॉडी के पानी नू होल्ड करके रखता, जो लेटर ऑन फैट नू ग्रो करने च हेल्पफुल रहिंदा, तो वही अपना मोटापे का कारण बनता। इंस्टेड की तो चिट्टा नमक खाओ तो पिंक हिमालयन सॉल्ट ना रिप्लेस करो आ चीज़ नू, चिट्टी खंड नू ब्राउन शुगर ना रिप्लेस करो, थोड़ा स्वाद भी सेम रहूगा। करते अपने ऑप्शन नंबर दो दी, वो हैगी अपनी लाइफ के विच अपनी डाइट के आप फ्रूट ते सब्जियां नू ऐड करना, जो कि अपने नॉर्मल लाइफ से देखो तो कोई नहीं खाता सब्जी कि खाने बनिया हुई हैं जिन्हें पहले ही तड़के लगे हैं मसाले ऐड किए हुए हैं, तो वो इन फायदेमंद नहीं है अपनी वेट लॉस जर्नी च, तो वह आप ध्यान देना शुरू करना हूं। तो यूजली असं 2 हफ्ते बाद ग्रॉसरी करने जाने हैं, तो असी आप 12 फरवरी वाले मेरे प्लान जो शुरू है फिटनेस का उदों तो असं फ्रूट लियाने ज्यादा शुरू करते हैं। असी दिन दे विच 2 टाइम फ्रूट खाने हैं, हुण फ्रूट्स दे नाल सब्जियां दे नाल अपनी बॉडी नूं विटामिन मिनरल्स प्रोटीन ते हाई फाइबर मिलदा, जो वेट लॉस विच सब तो वधिया जो अपन रोटी तों सब्जियां तों भटूरियां तों नाना तों कदे नहीं मिलदा, आ चीज़ दा ध्यान दे। असी पिछले 2 हफ्तिया तों फ्रूट लैणे शुरू करते हैं अपनी ग्रॉसरी दे विच, ते असी अज दी रेट विच दिन दे विच 2 मील्स कल्लियां फ्रूट्स ते बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहे हैं। जे आपां फैट लॉस जर्नी ते हैं फ्रूट वेजिटेबल खाने से सानू की बेनिफिट मिल रहे हैं, साड़ी बॉडी तो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स इन्हों की कमी पूरी हो रही है, प्लस साड़ी बॉडी में की मिल रहा है हाई फाइबर जो कि फैट लॉस लिए नंबर 1 गोल्डन सोर्स है, कहते ध्यान देता कदे भी नहीं। फ्रूट ते सब्जियां अपनी बॉडी दे विच शुगर दी क्रेविंग नू खत्म कर दिया, पुछो किवें। नॉर्मली आपां नू चाटका दी हुंदी मिठे दी चॉकलेट मिल्क शेक खंड पा पा के बनाउण दी खाण दी केक खाण दी है ना, बट जो तुम फल फ्रूट खाने लग गए सब्जियां खाने लग गए थोड़ी बॉडी नू आपे ही नैचुरल शुगर की आदत पै जानी, क्योंकि सब्जियां दे विच फ्रूटां दे विच नैचुरल शुगर बहुत होंगी है जो अपनी बॉडी लई एक ग्रेट एनर्जी का सोर्स बनती है, तो उहदे विच कोई कैलरीज ट्रांसफैट कदे भी नहीं होंगी। नोट करिए सब्जियां ते फल फ्रूट आपां नू एक हैल्दी स्लो ईटिंग की हैबिट क्रिएट करन च बहुत हैल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल जो अपने कोल एक सब्जियां का बाउल है या अपने कोल एक सिंगल सेब भी है उन्होंने आप 5-7-10 मिनट लगा के आराम नाल खावांगे, तो जो आप खाने बाइट लेने हर बाइट नाल अपने मेटाबॉलिज्म नूं सिग्नल मिलता रहिंदा ते अपना शरीर छेती फुल फील करदा। कई वार तुसीं एक सेब खा के छेती फुल फील करोगे जो तुसीं एक 9 या 12 इंच दा सब्वे खा के भी नहीं कर सकते। फल फ्रूट ते सब्जियां फास्ट डाइजेस्टिव फूड है, किवें इन्हां दे विच अपनी बॉडी नूं मिनरल्स विटामिन प्रोटीन ऑब्जर्व करने बहुत सौखे होंगे आ, बहुत क्विकली हो जाते हैं क्योंकि नैचुरल फूड है। इंस्टेंट जो आप पैक्ड फूड या फिर फास्ट फूड खाने वो आ चीज़ा नहीं होंगे, बट स्टिल अपनी बॉडी ट्राई करती है जो भी हो सके बेस्ट ऑब्जर्व करने की, बट उस स्लो डाइजेस्टिव फूड है तो उन्होंने टाइम लगता है, एक तो अपनी बॉडी फूड पिया रहा काफ़ी टाइम लिए डाइजेस्ट टाइम लगता है,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦੇਣ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਓਗੇ ਫਾਸਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਛੇਤੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਗੰਦ ਉਹਨੂੰ ਡੰਪ ਚ ਪਾ ਦੇਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀਓਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕੈਲਰੀ ਸੇ ਲੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟਿਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਸੌਖੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਊਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆ ਸੋਚੋ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕੋ ਹੈਲਪ ਮੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।